दोस्तों आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज हम बात करते हैं जो हमारे क्रैक्स आते हैं कंक्रीट सरफेस के ऊपर, जो हमारे क्रैक्स आते हैं वो क्यों आते हैं और उनको कैसे हम लोग ग्राउटिंग करते हैं। तो हम आपको एपॉक्सी ग्राउटिंग के बारे में बताते हैं, उसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो क्रैक आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। हो सकता है उसमें जो हमारा टॉप सर्फेस में प्रॉपर कवर नहीं होता, या हमारा जो बेस होता है जिसके ऊपर हम लोग सपोर्ट देते हैं उसका सेटलमेंट हो सकता है, सीमेंट का या हमारा एडमिक्चर का आपस में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता, या हमारा सेग्रीगेशन है, या फिर हमारा स्लम्प ज़्यादा है। तो मतलब क्रैक्स आने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, ठीक है सर। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि जो हमने ये अभी मटेरियल हम आपको ये देखिए दिखा रहे हैं, ये हमारा BSF का है। ये हम लोग एपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग के लिए मंगाए हैं, कुछ जगह हमारे क्रैक्स आए हैं उसके लिए हम लोगों ने मंगाया है। ये हमारा बेस हो गया और ये हार्डनर हो गया, ये दोनों को मिक्सिंग किया जाता है। मिक्सिंग करने के बाद इसका एपॉक्सी ग्राउटिंग साइड में करेंगे। तो इसके बारे में हम पहले है, सबसे पहला जो हम लोग इंजेक्शन ग्राउटिंग या इसको रिपेयर करने के लिए करते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट्स है इसको करने का। तो सबसे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा एपॉक्सी इंजेक्शन ग्राउटिंग का बेनिफिट्स होता है वो पहला क्या होता है, सबसे पहला ये क्विक सेटिंग के लिए होता है, ठीक है। सबसे पहला जल्दी सेट होता है, जिसके कारण जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो क्रैक फिलिंग का वो जल्दी होता है, ठीक है। दूसरा चीज होता है इसमें देखिए, ये वेरी लो सिंकेज क्रैक, यानी छोटे छोटे पार्ट्स जो हमारे कॉन्क्रीट्स के ऊपर आएंगे क्रैक्स, उसको भी ये क्या कर सकता है, फील कर सकते हैं इससे। इसके बाद एक्सीलेंट एडहेशन, यानी जो हमारा बाउंडिंग होता है, ठीक है ना, हमारा जो क्रैक्स आया उसके बाउंडिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है। प्लस ये हाई स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, लो वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी टू पेनिट्रेशन इवन हेयर क्रैक्स एंड गुड रेजिस्टेंस टू मोस्ट ऑफ द केमिकल, यानी जो इसके छोटे छोटे हेयर क्रैक्स होते हैं उसको भी ये अंदर जाके प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग करता है। इसका ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। और तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये एकदम लो मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी हमारे ग्राउटिंग के लिए 2 या 3 आदमी लग सकता है, ज़्यादा हमको इसको मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये इसके बेनिफिट्स हैं। दूसरा इसका एक ही रीज़न है, ये एपॉक्सी ग्राउटिंग जो होता है ये नॉर्मल सीमेंट ग्राउटिंग से ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा चीज क्या है कि इसको हम तुरंत जैसे अपने साइड में करते हैं और इसके बाद ये हमारा जो मटेरियल है इसको करने के बाद हम लोग उसको फील कर सकते हैं। उसको करने से पहले क्या होता है, जो हमारे सरफेस क्रैक होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से वी शेप यानी ग्रूव को हमको हल्का सा चीपिंग करना है और उसको वायर ब्रश से साफ करना है, ताकि जो भी हमारे हल्के फुल्के डैश या पार्ट्स हैं वो पूरा क्लीन हो जाए। इसके बाद इन दोनों का मेश को जो है मिक्स करना है। मिक्सिंग करने के बाद इसको क्या है, हम कैसे डालते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। दूसरा चीज, जैसे हम लोग मशीन से हैंड मिक्सिंग मशीन जो है हमारा ग्राउटिंग मशीन है, उसमें जो हमारा प्रेशर होता है, जो हम लोग प्रेशर जनरली देते हैं वो कितना होता है, 3.5 केजी से लेके 7 केजी तक हम लोग इसमें देते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा BSF का मटेरियल है, ठीक है, ये मास्टर इंजेक्ट है हमारा 1315 पार्ट ए हो गया, और ये भी हमारा मास्टर इंजेक्ट जो है पार्ट बी हो गया। ये दोनों को क्या करते हैं, ये दोनों का मिक्सिंग होता है। ये जो है हमारा, ये देखिए, ये 500 ml का बॉटल है, सॉरी 0.25 kg, वही ठीक है, 0.25 kg है, और ये हमारा 3.3 kg का है, ठीक है। ये दोनों को मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद इसका जो है हम लोग प्रेशर ग्राउटिंग करेंगे। तो हम आपको ले चलते हैं साइड में, इसको कैसे किया जाता है, नोजल कैसे लगाया जाता है, फिर इसको कैसे प्रेशर दिया जाता है, इसके बारे में हम आपको साइड में ले चल के दिखाते हैं। दोस्तों जैसे कि ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा स्लैब है, ये स्लैब है जिसमें ये देखिए टॉप सरफेस में हमारे जो है क्रैक आया हुआ था, ठीक है। ये हमारा एक स्लैब है जिसकी थिकनेस 700 है, और इसमें हम लोगों को टॉप सरफेस पे क्या है, क्रैक डेवलप हुआ। जैसे ये देखिए, ये क्रैक दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। बट इसको जब हमने नीचे जाके देखा तो इसमें नीचे क्रैक नहीं था, सिर्फ टॉप सरफेस में ही था। हम लोगों ने इसका वी कटिंग किया, वी कटिंग करके इसको देखा तो ये हमारा जो क्रैक था ये सिर्फ टॉप ऑफ स्टील तक था। तो जो हमारा टॉप स्टील है उसमें 50 mm का कवर है, तो उसके नीचे नहीं था, सिर्फ 50 mm ही हमारा ये था। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले ये देखिए, हम लोगों ने इसको पूरा क्लीन किया, क्लीन करने के बाद वायर ब्रश से साफ़ किया, वायर ब्रश से साफ़ करने के बाद हम लोगों ने ब्लोवर मारा, ब्लोवर मारने के बाद ये देखिए हम लोगों ने नोजल लगाया, ठीक है। और नोजल लगाने के बाद हम लोगों ने क्या किया,
जो हमने आपको अभी मटेरियल दिखाया, इसके थ्रू हम लोगों ने दोनों का पेस्ट बनाया। दोनों का पेस्ट करने के बाद इसको हमने ऊपर जो हमारे क्रैक्स थे इसमें धीरे 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 हम लोग इसको फिलअप किया। ठीक है, फिलअप करने के बाद क्या हुआ, इसको हम लोगों ने नोज़ल लगाया। नोज़ल को एक दिन लगा कर हम लोगों ने छोड़ दिया, ये देखिए इसको लगा के छोड़ दिया, और सेकंड डे आके फिर इसमें हम लोगों ने ग्राउटिंग किया। जैसे कि हमने प्रेशर ग्राउटिंग किया, प्रेशर ग्राउटिंग करने के बाद इसको देखिए लॉक किए हैं। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे प्रेशर ग्राउटिंग कैसे करते हैं। तो ये हमारा जो था इस स्लैब में जो क्रैक्स हुए थे इसको हम लोगों ने इस प्रकार से फिलअप किया। अब इसको कैसे करते हैं इसको भी हम आपको बताते हैं। ये भी एक पार्ट है स्लैब का ही, दो जगह ये हम लोगों को टॉप सरफेस में क्रैक मिला था। दोस्तों ये हमारी एक बाल थी, ये हमारी एक बॉल है, इसमें वाल जो है कंक्रीट की, इसमें भी एक क्रैक आया था। ये देखिए इसको भी हम लोगों ने क्या किया, इसमें ये देखिए नोज़ल फिक्स किया। नोज़ल फिक्स करने के पहले हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा मटेरियल था इसको हम लोगों ने लगा दिया था। ये कल ही हम लोगों ने कर दिया था। इसका भी ग्राउटिंग कैसे करना है इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारी टनल की वाल है जिसमें हमको क्रैक मिला था। ये देखिए दोस्तों हमारे दोनों ये जो केमिकल है BSF का, ये देखिए एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ये देखिए ये दोनों को मिक्स करना पड़ता है। ये देखिए इसको मिक्स करके और हमको ये ऐसे दोनों को मिक्स करना होता है। इसके बाद इसको हमको इंजेक्शन ग्राउटिंग करना पड़ता है। दोस्तों इसमें एक और विशेष चीज़ होती है, वो जो होता है वो हमारा होता है, ये देखिए ये क्या होता है, ये 12 मंथ का ही हमारा एक्सपायरी डेट होता है। तो कभी भी जब हम इसको यूज़ करते हैं, पकड़िए ना, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑलरेडी, ये देखिए डेट लिखा हुआ है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ये हमारी एक्सपायरी डेट। तो ये कितने दिन का होता है, ये 12 महीने का होता है। हम कभी भी जब यूज़ करते हैं तो इसको भी विशेष कर से देखते हैं कि हमारा ऐसा तो नहीं है कि हमारा एक्सपायरी मटेरियल है। तो यूज़ करने से पहले ये भी एक विशेष चीज़ है जिसको हमको ध्यान देना होता है। ऐसे किए ऐसे करो, ये हमारा दोनों का, ये हमारा फ्रेश मटेरियल है और ये भी हमारा, देखिए दोनों का कलर जो है, इनको मिक्स करने के बाद हमारा इस कलर में ये एपॉक्सी ग्राउटिंग जो है वो चेंज हो जाता है। दूसरा चीज़ दोस्तों ये देखिए, ये जब सेट होने के बाद ये ऐसे प्लास्टिक की तरह हो जाता है, जिसको इसको तोड़ने से ये कुछ भी नहीं होगा। ये क्या होता है, ये एक प्लास्टिक की लेयर टाइप का हो जाता है। ये देखिए इसको हम किसी भी चीज़ से तोड़ेंगे तो ये किसी भी पत्थर या लोहे से कम नहीं है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या है, ये 2 घंटे में ही इस प्रकार का सेट हो जाता है। इसलिए जब कभी भी हम लोग करते हैं तो नोज़ल लगा के और इस ग्राउटिंग को क्रैक फील करने के बाद इसको एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे यदि हम ग्राउटिंग करते हैं तो जो हमारे सिंक के क्रैक होते हैं उससे जो हमारा ग्राउटिंग जो हम करते हैं प्रेशर देते हैं तो ग्राउट बाहर आने के चांस होते हैं। तो जब ये हमारा एक दिन पहले कर देने से क्या है, वो एक तरह से पूरा लेयर बन जाता है, तो जो हमारा मटेरियल अंदर जाता है वो बाहर आने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों ये जैसे हमारा ग्राउटिंग मशीन हो गया, ठीक है, ये मैनुअल हैंड वाला है, ठीक है। इसमें जो ये हमारा लगा हुआ है ये 10 kg का है, ठीक है। तो ये एवरी डिवीज़न जो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या है, ये आपका 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो ये हमारा टोटल 10 kg का है। इसमें हम आपको फिर दिखाते हैं कैसे हमारा प्रेशर चेक करने के लिए, अभी हमारा 0 में है और ये हमारा एंगल जो है रिसर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। अभी नोज़ल में लगाएंगे हम लोग, इसको नोज़ल में फिक्स करेंगे और बाइंडिंग वायर से इसको एकदम पूरे तरीके से टाइट करेंगे और अंदर जाएंगे। ये अभी हम लोग देखेंगे क्या प्रेशर आ रहा है। हम लोगों का जो ग्राउटिंग हम लोग कर रहे हैं ये 2.5 से 3.5 के बीच में जा रहा है और हमारा माल धीरे धीरे जो हमारा क्रैक है उसके अंदर जा रहा है नोजल के थ्रू। आराम से आप प्रेशर दीजिए, लेकिन आप दोस्तों ये देखिए हमारा 2.5 से 3 kg प्रेशर जो है ये आता जाता है। ये हम लोग 3, 3.5 kg में दे रहे हैं और ये देखिए हमारा नोज़ल जो है ये ऑलरेडी मटेरियल गया है। अभी जो है इसको थोड़ा और चेक करेंगे, इसके बाद इसको स्टॉप करेंगे।
दोस्तों जैसे कि ये देखिए हमारा प्रेशर जो है 3-3.5-4 kg के आसपास हो गया और हमें लोग अभी इसको लॉक करेंगे और ये जो हमारा होल था इसको पूरे तरीके से इस नोजल को लॉक करके और इसको बांध के धीरे से निकालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जो एपॉक्सी ग्राउटिंग क्रैक्स में करते हैं, इसके क्रैक्स के बहुत सारे रीजंस आ सकते हो सकते हैं, जैसे हमने आप लोगों को बताया है और हम लोगों ने जैसे हैंड मशीन के थ्रू हम लोगों ने एपॉक्सी ग्राउटिंग आपको बताया और समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इससे और हमारे पास जो भी वीडियो आते हैं हम आपके साथ शेयर करें। थैंक यू।